अयोध्या में बनने वाले भगवान श्री राम के मंदिर में भगवान श्री राम के आराध्य भगवान भोलेनाथ के मंदिर का निर्माण होना है, जिसके लिए खरगोन से शिवलिंग अयोध्या पहुंचेंगे। हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। अयोध्या श्री राम मंदिर के परिसर में श्री राम के आराध्य भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी होना है। इसके लिए खरगोन के सनावत से शिवलिंग अयोध्या पहुंचेगा। सनावत के महामंडलेश्वर आश्रम के संत ने बताया कि अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के दौरान भगवान भोलेनाथ की स्थापना भी वहां होना है, जिसके लिए भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग खरगोन के महामंडलेश्वर आश्रम से भेजा जा रहा है। यह शिवलिंग ओंकारेश्वर के नरसिंह कुंड से प्रकट हुआ था, जिसका आज विधि विधान से पूजन अभिषेक कर इसे अयोध्या भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। हमारी इच्छा है कि नर्मदेश्वर भगवान श्री राम के मंदिर में हो, तो मेरी ऐसी भावना है कि आपके द्वारा वो नर्मदेश्वर हमको प्राप्त हो। मेरे मन में भाव आया कि भगवान के प्रति यदि इतना सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, तो क्यों ना नर्मदेश्वर इतना दिव्य सुंदर शिवलिंग की खोज की जाए। और उस शिवलिंग की खोज के लिए हम लोग नौका के द्वारा जब गए, और भगवान ने ऐसी कृपा करी कि 10-12 साल पहले किसी नाविक लोगों ने इसको नरसिंह कुंड से निकाल करके वहाँ रखा था, लेकिन फॉरेस्ट की भूमि होने के कारण उस भूमि से ये उठा नहीं पाए। तो हम लोगों ने जो फॉरेस्ट के अधिकारियों से बात करी कि इस प्रकार से ये नर्मदेश्वर भगवान अयोध्या जाएंगे, तो सभी लोगों ने भाव भक्ति के साथ में संयोग किया और फिर नर्मदेश्वर को निकाल करके आज जो दिव्य स्वरूप आपके सामने विद्यमान है। ये 18 अगस्त 2023 के दिन पुण्य सलिला माँ नर्मदा की गोद नजर निहाल आश्रम से श्रीधाम अयोध्या के लिए यात्रा प्रस्थान होगी। तो इस यात्रा में सनातन संस्कृति, हमारा जो आज वर्तमान परिवेश विश्वगुरु की ओर अग्रसर भारत हो रहा है, उस भारत भूमि को हम विश्व के पटल पर राम मंदिर के माध्यम से, और राम सनातन धर्म जो है उस संपूर्ण विश्व में जो संत है, हमारा ऋषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान है, तो यहाँ कृषि और ऋषि दोनों प्रधान है। जब भगवती पुण्य सलिला नर्मदा जी की गोद में द्रविणी संस्कृति और आर्य संस्कृति, नर्मदा जी के उत्तर भाग में जो है आर्य संस्कृति है, जो अयोध्या आदि जो है सब आर्य है, भगवान श्री राम को आर्य कहा जाता था, और नर्मदा जी से दक्षिण भाग में जो है वो जो द्रविणी संस्कृति कहलाती है, तो अपितु ये दोनों संस्कृति को जोड़ने का कार्य करेगी, क्योंकि नर्मदा जी के दक्षिण तट से शिवलिंग अयोध्या जाएगा, तो यहाँ आर्य संस्कृति और द्रविड़ संस्कृति दोनों को मिलकर के इस भारत को अखंड, जैसे भगवान शंकराचार्य ने चार दिशा में चार मठ बना करके अखंड भारत की कल्पना करी थी, ऐसे हमारे भारत के समस्त संतों ने मिलकर के एक भाव किया है। ये मैं अकेला नहीं, सब संतों का आशीर्वाद है कि उनकी कृपा से ये सौभाग्य नजर निहाल आश्रम को मिला है, और उस यात्रा में सभी संत लोग साथ में रहेंगे। अतः ज़्यादा से ज़्यादा भारत भूमि के इस पटल मध्य प्रदेश हाड़ से शिवलिंग निकल के ओंकारेश्वर की ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनाम कामदम मोक्षदम चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। ये ओंकार पर्वत है, यहाँ तीन पुरी है, ब्रह्मपुरी, शिवपुरी और विष्णुपुरी, इन तीनों पुरी का ये क्षेत्र है ओंकार क्षेत्र, और ओंकार क्षेत्र से ऐसे में यदि मध्य प्रदेश की पावन भूमि से सरयू माँ के किनारे आंचल में बसे हुए अवध धाम में ये भगवान रामेश्वर के नाम से स्थापित होंगे, हम मध्य प्रदेश के सभी लोगों के लिए देखिए, ये तो अद्भुत शिवलिंग है, इसमें भगवान शंकर जो है नर्मदा का हर कंकर शंकर है। इस यात्रा को हमने ये भाव बनाया है कि जिस प्रकार से भगवान शालिग्राम नेपाल से अवध धाम में आते हैं और भव्य यात्रा के साथ आए हैं, ऐसी हमारे मन में भाव आए कि क्यों न जन जन तक ये संदेश पहुंचे कि जैसे राम शिला न्यास जो हुआ था और घर घर से शिला के लिए लोगों ने चंदा इकट्ठा करके कार्य किया, लेकिन इस हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।